क्रिकेट का मामला है, एक बिल्कुल नौजवान जो पैरों से दिव्यांग था उसके ऊपर जिस तरह से हमला किया गया, जिस तरह से अपराधियों ने हमला किया है, ये मामला मेरे सामने लाया गया है। मैं इतना कह सकता हूँ, एक भी अपराधी को छोड़ेंगे नहीं। और ये जो अपराधी अपराध करके ये समझते हैं कि हम दिव्यांग व्यक्ति को मार देंगे, किसी को भी कुचल कर मार देंगे, प्लांट वे में जो लोग करप्शन में लिप्त है, मुझे पता चला कि ये लोग वहाँ पर इस तरह के लोग हैं जो कि वहाँ पर नरेगा में करप्शन कर रहे थे। जब करप्शन को पकड़ने के लिए अधिकारी पर्वत सिंह वहाँ पर गए और उन्होंने जाकर चोरी पकड़ ली और वहाँ पर पकड़ कर उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई की लिखित में, तो उसके बाद उनको पीटा गया। उसके बाद जब वो वीडियो को उन्होंने शिकायत की, वो लोग पर्वत सिंह को ढूंढ रहे थे, पर्वत सिंह वगैरह पर जब उन्होंने हमला किया तो वो तो भाग गए। वहाँ पर उनको बचाने के लिए जो बीच में आया जो दिव्यांग था पाँव से, कुलदीप सिंह, उसको जिस ढंग से उन्होंने प्लांट वे में, वहाँ के क्रिमिनल्स हैं, वो भ्रष्टाचार भी करते हैं, बेईमानी भी करते हैं, पाप भी करते हैं, उन्होंने कुचल कर मारा है। सरकार किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों को छोड़ेगी नहीं। और ये मानकर चलिए कुलदीप सिंह जिसकी हत्या हुई है उसके परिवार के साथ अन्याय हुआ, उस परिवार के साथ हम सब खड़े हैं। और जिन लोगों ने मारा है उनको ये समझ लेना चाहिए, वो कितने भी बड़ी रसूखात रखते हो, कुछ भी करते हो, और जिस ढंग से उन्होंने पाप किया उस पाप का परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। सरकार उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, ऐसे अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।